आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में पुराने बस स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेलवे मोड़ पर बनाए गए अस्थायी बस स्टैंड से बस के संचालन को लेकर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर सूत्र सेवा बस के संचालन को लेकर निजी बस संचालकों ने जमकर विरोध किया। जाम की स्थिति को बनता देख ट्रैफिक पुलिस ने कृष्णा ट्रेवल्स बस के संचालक पंकज सिंह को सिविल लाइन थाने ले आई, जिसके बाद बस संचालकों के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया और सभी बस संचालक सिविल लाइन थाने में एकत्रित हो गए। बस संचालकों ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत वैकल्पिक बस स्टैंड बनाए गए रेलवे मोड से कटनी, मैहर, जबलपुर, सतना के लिए बस संचालित की जाती हैं और जो पुराना बस स्टैंड था वहां आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जबकि सूत्र सेवा के बस संचालक रमेश तिवारी द्वारा मनमानी तरीके से नए बस स्टैंड से सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा, पुराना बस स्टैंड, जय स्तंभ और ढिगा होते हुए रेलवे मोड़ तक का रूट तय किया जाता है। बस संचालकों ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नए बस स्टैंड से सतना की ओर जाने वाली बसों के लिए जो नया रूट बनाया गया है उसके मुताबिक नए बस स्टैंड से सिरमौर चौराहा और फिर यहां से अनंतपुर होकर बाईपास से रेलवे मोड़ आना है, जिसमें पुराना बस स्टैंड, कॉलेज चौराहा, इन मार्गों से बसों का संचालन नहीं होगा। लेकिन सूत्र सेवा के बस के संचालक द्वारा मनमानी तरीके से इन्हीं मार्गों से बस का संचालन किया जा रहा है। वहीं बस संचालकों ने कहा है कि हम लोगों को 15 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुराने बस स्टैंड की रेलवे मोड़ पास व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन 3 माह से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को पुराने बस स्टैंड में वापस नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सूत्र सेवा बस और प्रशासन की मिलीभगत से सब गड़बड़ियां हो रही हैं। हैं, चाहे हम हो या फिर जितने भी संचालन में हैं, कटनी, मैहर या सतना, रीवा, सिरमौर, बैकुंठपुर, जितना भी जहां जहां भी रूट संचालन है पुराने स्टैंड से, उनको सबको पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा बोला गया था कि विगत 15 दिन के लिए हम आपको स्थायी रूप से और यहाँ तक कि आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर हाथ कार्यक्रम के संयोजक जिसमें हाजी सलीम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज रविवार के दिन सुबह 10 बजे से बिछड़ा स्थित लगन मेडल गार्डन में हज 2022 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हज यात्रा कर चुके जानकारों ने वर्ष 2022 में जाने वाले हज यात्रियों के साथ न सिर्फ जानकारियों को साझा किया बल्कि हज के दौरान किए जाने वाले विशेष कार्यो जानकारी प्रदान। व्यवस्था में ये भी है कि आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिले के हज यात्रियों को हाजी कलीम खान, हाजी मोहम्मद इश्तियाक, हाजी शफीक, हाजी शरीफ, डॉक्टर मुजीब खान सहित अन्य लोगों को हज यात्रियों को हज में जाने की मुबारकबाद के साथ ही हज के दौरान किए जाने वाले अरकानों की जानकारी दी। संचालक को इस तरह से प्रशासन द्वारा संरक्षण देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट ऑनर हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसकी हर एक को संरक्षण देना गवर्नमेंट का काम होता है। किसके सह पे हो रहा है ये सब? ये प्रशासन और संचालक जो सूत्र सेवा का रमेश तिवारी हैं, इन दोनों में मिली जुली व्यवस्था चल रही है और सबको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह पंचू। बस संचालकों के बीच अभी कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या वजह थी, क्या थी सामने? नहीं, हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है। ये सवारियों को भरने के वजह से आपस में कन्फ्लिक्ट होता रहता है इस तरह का रेगुलर, वही विवाद था पुल के नीचे सवारियां भरने को लेके ट्रांसपोर्टर्स आपस में विवाद कर रहे थे, तो उन्हीं को लाके बातचीत की, उनसे उनके विवाद को सुलटाया। इनके लिए क्या अभी निर्धारित किया गया है गाइडलाइन जब तक रोड नहीं बन जाती है? रोड लगभग बन के तैयार है, एक पार्ट उसका रह गया है रोड का, ये 2-3 दिन में जैसे ही कंप्लीट होता है हम पुराना जो बस स्टैंड है उसे चालू कर देंगे। वरिष्ठ अधिकारी हमारे इच्छुक हैं, वरिष्ठ अधिकारियों ने सर्वे भी किया हुआ है इसका, और उनके जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हमें वरिष्ठ अधिकारियों के, इसको हम चालू कर देंगे। तो इनका कहना था कि सूत्र सेवा को इनको बाईपास से होकर के गुजरना है, जबकि ये अंदर से गुजर रहे थे, इसको लेकर ये RTO साहब आपको बता पाएंगे कि इनके रूट उन्होंने क्या निर्धारित कर रखे हैं।